सरचुम रात को हम लोग टेंट में थे एंड हम लोगों के पास बहुत पैसा का कैश का प्रॉब्लम हो गया था एंड आग का मुंह हालत देख सकते हो बहुत खराब है पूरा यहाँ पे। अभी हम लोग जा रहे हैं चंडीगढ़ की तरफ और यहाँ से मनाली 200 किलोमीटर दूर है, फिर वहाँ से चंडीगढ़ जाना है। तो हम लोग टारगेट है चंडीगढ़ का, देखते हैं क्या करते हैं, होप फॉर द बेस्ट। जैसे मैं माउंटेन को देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ, एक टाइम बाद पहले पहले बहुत अच्छा लगता था, अभी भी ना पूरा फ्रस्ट्रेशन लग रहा है, इरिटेटिंग लग रहा है देख के, क्योंकि इसने बहुत मुझे मतलब तकलीफ एंड प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा इसके लिए। तो अभी और अच्छा नहीं लग रहा भाई, फटाफट से घर निकलने का मन कर रहा। चलो अब सीधा गियर अप हो गया, अब निकलते हैं। सो गाइस, आपने पूरा सीरीज में देखा कि मेरा बाइक बहुत बार गिरा नीचे एंड जिसकी वजह से मेरे को बहुत सारा डैमेजेस आया बाइक में, और जो कि यार बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है अगर मैं खुद अपने पॉकेट से खर्चा करने जाऊँ तो। इसलिए भाई हम लोग का बाइक का इंश्योरेंस होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर बाइक के लिए, जैसे मेरे बाइक का भी इंश्योरेंस है, तो इसलिए भाई दिक्कत नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग बात करने वाले इंश्योरेंस कंपनी के बारे में जिसका नाम है पॉलिसी बाजार। आप लोगों ने सब लोगों ने सुना ही होगा, तो आप लोग को पता ही होगा कि हम लोग टू व्हीलर का जो इंश्योरेंस है वो बहुत ज्यादा जरूरी है हम लोग सबके लिए, और हम लोग सब जानते हैं कि आज के जो गवर्नमेंट रूल के अनुसार इंश्योरेंस कराना कितना ज्यादा जरूरी है हम लोग सबके लिए। तो पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस के अंदर अगर आप लोग किसी भी तरह की मिस हैपनिंग होती है वो सब इसी के अंदर सॉल्व किया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट ओनर का किसी भी तरह का सेवर इंजुरीज होता है या फिर डेथ भी हो जाता है ये सब, तो वो सारे डैमेजेस जो है वो कंपनी रिसॉल्व करके देगी। और यहाँ पे कई प्रकार की इंश्योरेंस होती है, जैसे आप लोग को पता होगा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में, और जैसे कि अगर आप लोग का इंश्योरेंस है और आपको किसी भी तरह का सेवर इंजुरीज में कुछ भी मिस हैपनिंग थर्ड पार्टी को होती है तो वो भी कवर हो जाएगा। और इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1988 कहता है कि सारे टू व्हीलर्स वालों के पास ये होना चाहिए, वरना आप लोग को एक ह्यूज पेनल्टी भरना पड़ेगा। फिर आता है सबका मनपसंद कॉम्प्रिहेंसिव बाइक इंश्योरेंस, जिसमें कि कोई भी नेचुरल कैलेमिटी जैसे कि फायर, थेफ्ट, अगर आपका बाइक चोरी हो जाता है, हैंडमेड डिजास्टर्स के कारण कोई भी अगर इंजुरीज और डैमेज भी होती है तो उसको भी ये कवर करता है ओवरऑल, और इसी कारण ये सब कवर करता है, तो इसीलिए ये लॉन्ग रन में काफी ज्यादा फायदेमंद है। तो ये पॉलिसी कैसे खरीदे, तो हम लोग इसको ऑनलाइन ले सकते हैं, लोग ऑनलाइन इस पॉलिसी को लेते हो तो सारी रिक्वायरमेंट्स और गाइडलाइंस आप लोग को यहाँ पे देखने मिल जाती है, ताकि हम अपने हिसाब से इस राइट पॉलिसी को चूज कर सके, और जिसकी वजह से कोई भी एजेंट का चार्जेस नहीं देना पड़ता आपको, बिकॉज ये इजी टू डन है एज वेल एज चीप कॉस्ट पर अवेलेबल है। और उनका खुद का एक क्लेम डिपार्टमेंट है जो कि सारे क्लेम रिलेटेड इश्यूज को रिसॉल्व करता है। तो अगर आप लोग को भी अपना इंश्योरेंस करवाना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ और कमेंट में भी पिन किया हुआ, आप लोग वहां से जाके आप लोग पॉलिसी बाजार से अपना मनपसंद इंश्योरेंस चूज कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, पुराने टू व्हीलर्स के पॉलिसी डिटेल्स भी देने की कोई जरूरत नहीं है, अगर 90 से ज्यादा हो गया उसे एक्सपायर हुए हुए तो किसी भी डॉक्यूमेंट या फिर इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं है। एंड बहुत ही आसान प्रोसेस है आप लोग को रिन्यूअल करने का, एक बार अगर आपका पॉलिसी एक्सपायर कर जाता है तो। इनका जो ऑनलाइन सपोर्ट है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, जो कि आपको मुसीबत में पूरी पूरी आपकी मदद करता है, साथ ही इनकी जो क्लेम सेटलमेंट टीम है वो आपकी पूरी तरह मदद करती है ताकि प्रोसेस फास्ट एंड ईजी हो जाए आप लोग के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, फटाफट से जाओ एंड अपना इंश्योरेंस सिर्फ पॉलिसी बाजार से।
मेरे को थोड़ा सा उसमें से तेल लोगे प्लीज? बहुत जरूरत है तेल का। बाप रे बाप, ये तो पूरा बर्फ से भरा हुआ पहाड़ है। मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस टाइम मुझे इतना बर्फ देखने मिलेगा आज। लेकिन थोड़ा अच्छा क्यों लग रहा पता है, इतना सारा आदमी लोग को देख के। नीचे का लेक देखो, एक कितना खूबसूरत लग रहा है ना, बहुत खूबसूरत लग रहा भाई। शोल्डर पे जो प्रेशर पेन आ रहा है वो मैं ही जानता हूँ। अरे 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 भैया, आप देख के बिना देख के चल रहे हो? या आई एम ओके, या या सुपर स्पोर्ट्स, आई कांट बिलीव इट, थैंक यू। फॉरेनर पूरा शॉक हो गया गाड़ी देख के, बोल रहा ये गाड़ी लेके आप कैसे कर रहे हो? नाम है आपका मैडम? हाँ, वेदिका। कहाँ से हो आप? चंडीगढ़। चंडीगढ़, चलो बहुत अच्छा लगा। हम लोग बाइक से सोच रहे कैसे करेंगे, आप पैदल वैदल कर रहे हैं। ठीक है, वेरी नाइस टू मीट यू। कुछ तकलीफ नहीं है ना? ठीक है, ओके। तो हम लोग एक गांव में एंट्री ले रहे हैं एंड यहाँ पे पता नहीं एटीएम कहाँ पे मिलेगा। ये आंटी जी, एटीएम 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 आगे है। थैंक यू 74। गाइस फाइनली हम लोग को यहाँ पे एटीएम मिल गया है। हमारा जो माइक था वो ख़राब हो चुका था पानी गिरने का कारण ऐसे की वजह से, तो जिसकी वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा है। फिर यहाँ पे और दो लड़की थी जो कि मेक्सिको से आई हुई थी, उनसे बात कर रही थी एंड वो पूछी कि हम लोग उन लोग स्कूटी से ऊपर जा रही थी मतलब लाइक घूमने के लिए यहाँ पे, तो उन्होंने पूछा कि भाई कैसे जाना है, कैसा परिस्थिति हो पड़ा, कैसा रोड्स वगैरह है, तो मैंने उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया था एंड उसके बाद वो लोग मतलब मैं सुन के शौक हो गया भाई, वो लोग स्कूटी लेके जा रही है ऊपर, वो भी स्कूटी यहाँ से रेंट पे करके, तो मतलब काफ़ी अच्छा लगा भाई ये सुन के। देखो कि बाहर से भी लोग आके भी इतना ज़्यादा घूमने के लिए शौक रखते हैं यहाँ पे इंडिया में, तो चलो। उसके बाद कुछ गाइज ऐसा हुआ, रास्ते में मैं आ रहा था, फिर देखा कि यार यहाँ पे जो पहाड़ पे कभी भी गाइज ओवर स्पीडिंग नहीं करना चाहिए, ठीक है, कार को लेके स्पेशली, क्योंकि इतना ज़्यादा टर्निंग्स रहता है ना तो संभालना मुश्किल हो जाता है। तो देखा मैंने ऐसा कुछ सीन था, उसके बाद मैं उससे पूछा कि भाई को सब ठीक है कि नहीं है, बोला हाँ सब ठीक है, बस गाड़ी ऊपर उठ गया था। फिर मैं आगे बढ़ा एंड आगे बढ़ के खाली मिल रहा था, तो मैं सोचा कि चलो भाई थोड़ा टान लेते हैं एंड डिस्टेंस कवर करना, क्योंकि चंडीगढ़ पहुँचना था। उसके बाद क्या हुआ कि सामने आ गया हमारा पुलिस एंड उसके बाद जो सीन हुआ वो आप लोग देखो। फिर गाइस पुलिस ने अभी हम लोग को रोका, रोक के फिर कुछ बोल नहीं रहे थे अचानक से, ठीक है, उसके बाद गाड़ी देखे जा रहे हैं, फिर पूछ रहे हैं कहाँ से आ रहे हो, नहीं आ रहे हो। फिर हम लोग ने उनको सारा कुछ बताया, यहाँ से लद्दाख गए थे, लद्दाख से वापस आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कि दो मिनट तक बात की है, बात करके उसके बाद बोल रहे हैं कि भाई आपने कर दिया है ओवर स्पीडिंग, ठीक है। तो हम लोग ने बोला सर थोड़ा सा जल्दी था इसलिए हो गया सर, गलती माफ़ कर दीजिए। बोल रहा है माफ़ तो नहीं करेंगे, लाइसेंस दो जल्दी से। फिर मैं लाइसेंस मांग रहा था, मैं पता है भाई एक बात जान लेते हैं हम लोग सब लोग कि लाइसेंस मांगने से अगर पुलिस लिया लाइसेंस के हाथ में गया तो केस पूरा पक्का पक्की आपको मिलेगा ही, ठीक है। मैंने बहुत कन्विंस करने की कोशिश किया, बोले सर बहुत लेट से आ रहे हैं, मतलब बहुत लेट हो रहा है हम लोग को एंड चंडीगढ़ पहुँचना आज एंड यहाँ पे अभी हम लोग ऑलमोस्ट मनाली से भी पीछे थे उस। मैं बोल रहा था सर बहुत दूर है प्लीज़ जाने दिए सर, लद्दाख से आ रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था, थोड़ा गलती हो गया। बहुत कन्विंस करने की कोशिश किया लेकिन पुलिस वालों ने बोला लाइसेंस दोगे या फिर तुम्हारा बाइक सीज करे। मैंने बोला सर प्लीज़ छोड़ दिए, प्लीज़ छोड़ दिए, कितना बार बोला, मतलब 100 बार प्लीज़ बोल दिया। एक्चुअली मैं क्या था भाई कि फ़ाइन करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन फ़ाइन के लिए जो मतलब हम लोग जब गए थे तो एक सम ऑफ अमाउंट लेके बजट गए थे, और ये सब जब फ़ाइन होता है तो 150 का नहीं होता, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ फ़ाइन होता है, तो कि मतलब मुझे लग रहा था कि मैं बेयर कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, और करूँगा भी तो भाई उतना पैसा नहीं था ही जितना से मैं घर पूरा लौट सकूँ वहाँ से, ठीक है। तो इसको लेकर थोड़ा टेंशन हो रहा था।
फिर मैंने बहुत समझाया लेकिन उन्होंने माना नहीं, ठीक है। लास्ट में बहुत मुझे धमकी वमकी देने लगे कि बाइक यहाँ पे थाना में रख देंगे, ठीक है ये। और मतलब देखो अपना जगह रहता है तो अलग चीज़ रहता है, लेकिन वो था एक दूसरा जगह और पहाड़ों के बीच में ऐसे, और जो घर लौटना और इतना दूर जाना भी है तो पहुँचना एक डेस्टिनेशन में तो बहुत मतलब ऐसे ही डर लग रहा था। फिर मैंने अपना लाइसेंस दिया उन लोग को, फिर उन लोग ने मुझे बुलाया, बुला के दिखाया कि देखो तुम्हारा कोई गलती कहाँ पे है। फिर उन्होंने दिखाया मुझे कि बोला कि आज तक यहाँ से कोई भी गाड़ी 90 की स्पीड में नहीं गया है, तुमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तुमको मैं यहाँ पे एक प्राइस दूंगा। क्या मतलब क्या बोलो, अफसोस कि मेरा माइक ख़राब हो गया था उस टाइम में, रिकॉर्ड नहीं हो पाया सब चीज़, तो तुम्हारा 90 की स्पीड में गाड़ी जा रहा था इसलिए हम लोग पकड़े हैं, यहाँ पे स्पीड लिमिट है 55। एंड जो कि सही भी था, मैंने लिमिट देखा नहीं था रास्ते में, बहुत दूर दूर में लगा हुआ था पहाड़ के रास्ते में, मैं रास्ता देखूँ ना ये सब देखूँ उतना। उन्होंने जो प्रोसीजर था वो किया, करने के बाद फिर बोल रहे फ़ाइन हुआ आपका 2000 रुपीज़ फ़ाइन है। मैं तो सुन के ही शौक हो गया, मेरे पास ATM से मैंने अभी 5000 रुपये निकाला था कि मैं उस पैसा को लेके दिल्ली तक पहुँच जाऊँगा ऑलमोस्ट, क्योंकि यार बहुत बहुत टाइट बजट रहता है, लद्दाख जाने का इतना ईजी नहीं है। फिर मैंने बोला कि सर प्लीज़ सर थोड़ा कम कर दिए कर दिए, तो वो बहुत गुस्सा हो गया, बोला नहीं नहीं अब तो तुम्हारा बाइक लाइसेंस सब सीज हो गया ही, कुछ नहीं है, क्या अजीब अजीब फॉर्म वॉर्म निकालने लगे ये वो, ठीक है। अब मैं मेरा क्या बोलूँ, मेरे को और अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने बोला था सर सर प्लीज़ प्लीज़ सर प्लीज़ सर फ़ाइन ही कर दीजिए, मतलब उल्टा मैं उसको बोला प्लीज़ फ़ाइन कर दीजिए। अब बोल रहा नहीं अब तो तुम्हारा सीज हो गया ही, लाइसेंस तुम्हारा यहीं जमा हो जाएगा, अपना आके बाद में छुड़ा के लेके जाना, ठीक है, और बाइक भी नीचे जमा कर दो। हम बोला यार ये क्या बात हुआ, फिर मैं कितना रिक्वेस्ट करने के बाद हम बोला ठीक है आप जितना मन फ़ाइन करना कर दिए, प्लीज़ छोड़ दिए सर बहुत दूर जाना है। लेकिन बहुत मेरे को रूड बिहेवियर लगा पुलिस का, अच्छा नहीं लगा मेरे को, जो कि बहुत गुस्सा आ रहा था अंदर से लेकिन कुछ कर नहीं सकता। फिर मैंने उन लोग को बहुत मनाने के बाद, हाथ पाँव जोड़ने के बाद 2000 रुपया उनको दिया, ठीक है। लेकिन ये बात बोलूँगा कि वो चीटिंग या फ्रॉड उन लोग के स्कैम, वो पैसा उन लोग के पॉकेट में नहीं गया, मेरे को उन्होंने पूरा एकदम कागज़ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके काट के दिया रसीद, और इवन मेरे फ़ोन में भी वो मैसेज आया कि हाँ यहाँ पे स्पीति पुलिस ने तुम्हारा यहाँ से इतना पैसा 2000 रुपये का फ़ाइन हुआ एंड ऑल। यही था भाई सीन, आप लोग से रिक्वेस्ट है भाई पहाड़ वहाड़ इलाके में जाओ तो ऐसे तो आप ओवर स्पीड कर नहीं पाओगे, लेकिन अगर जाओ भी तो आराम से जाओ एंड थोड़ा ये सब जगह को फॉलो करो, जैसे मनाली डुकटे टाइम ये सब जगह, तो थोड़ा यहाँ पे पुलिस लोग का रिस्ट्रिक्शन रहता है ओवर स्पीडिंग का। चलो अभी चलते हैं आगे की तरफ। खतरनाक टनल वनल बन रहा है देखो भाई।
क्या मस्त काम हो रहा है। चंडीगढ़ की तरफ जा रहा हूँ लेकिन ये पहाड़ ख़त्म नहीं हो रहा और मेरे को फ्रस्ट्रेशन लग रहा था तब से। सुबह रात का बज चुका है ऑलमोस्ट 11:17 और 11:30 बजने वाला है एंड उस टाइम बारिश हो रहा था बोल के मैंने गोप्रो अंदर रख दिया था। ये हर दिन हमारे लिए कीमती है एंड जितना दिन हम लोग फालतू का रहेंगे इधर उधर टाइम वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा हम लोग का पैसा भी ख़त्म होने को आया है और पैसा ख़त्म हो गया क्योंकि बहुत बजट वाला चीज़ होता है ना।